हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोग गए थे डेव को मिलने के लिए। डेव हम लोग का बहुत ही पुराना एफआईबी का दोस्त है, जिसने हम लोग को लास्ट वाले जो हाइस्ट है, मतलब हम लोग का जो सबसे पहला हाइस्ट था उसमें हम लोग को बचने के लिए हेल्प किया था। तो उसके पास हम लोग गए थे और वो उसने हम लोग को बहुत ही ख़राब न्यूज़ दिया। उसने बोला कि माइकल का नाम एफआईबी के लिस्ट में आ रहा है वापस, क्योंकि माइकल को तो लाइक मर गया करके डिसाइड करके रखा था, मतलब उधर से रजिस्टर था कि माइकल अभी इस दुनिया में नहीं रहा। बट जो लास्ट वाला हम लोग ने हाइस्ट किया उसमें पुलिस ने हम लोग का चेहरा देख लिया, और एफआईबी के जो सिस्टम में हम लोग ने जब भी डाला वो लोग ने, तभी वो लोग को मालूम पड़ा कि माइकल ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता जो बंदा नॉर्थ यांगटन में मरा था। तो इस वजह से डेव ने हम लोग को बुलाया था। डेव ने बोला कि वो जो प्रॉब्लम है वो शायद उसको सॉल्व कर देगा, बट उसके पास और भी बड़ा प्रॉब्लम था। वो था कि उसको एक बंदा चाहिए जो मॉर्चरी में उसका साथी वहाँ पे लेटा हुआ होगा। तो हम लोग को डिटेल्स निकालना था, बट हम लोग मॉर्चरी तक जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे एफआईबी एजेंट्स थे। तो वो लोग से बचते हुए हम लोग को कैसे तो भी अंदर जाना तो था। फिर तभी डेव ने हम लोग को पीछे से हमला करके ऐसा घोषित किया कि हम लोग मर गए थे और हम लोग को मॉर्चरी लेके गए। बट जैसे ही डॉक्टर्स हम लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, वैसे ही हम लोग उड़ गए, और उठते ही डॉक्टर्स को मार के एफआईबी एजेंट्स को मार के हम लोग ने सारा बॉडीज चेक किया, वहाँ पे कुछ भी हाथ नहीं आया। बस एक डिटेल आया कि एक बंदे का नाम मिला और उसका एक डिटेल मिला, बस और कुछ नहीं हुआ। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने डेव को दे दिया फ़ोन पे। डेव मिलने नहीं आया क्योंकि उसका जो हेड है बॉस, वो हम लोग से मिलने आने वाला है नेक्स्ट टाइम। तो इस वजह से डेव हम लोग से मिलने नहीं आया सेफ्टी कंसर्न की वजह से। उसके बाद मैंने फ्रैंकलिन को बुलाया क्योंकि मुझे किसी को बताना था ये चीज़ बहुत ही जल्द, और फ्रैंकलिन ही हम लोग का जो बहुत ही क्लोज है उसको हम लोग ने बता दिया था। तो फ्रैंकलिन बोला कि ये सब मैटर में उसको कभी भी हम लोग हेल्प चाहिए तो हम लोग उसको कभी भी बुला सकते हैं। तो इस कारण की वजह से फ्रैंकलिन ने हम लोग को बोला है कि कभी भी हेल्प करेगा। तो मेरे को थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ वो सुनने के बाद। उसके बाद हम लोग गए हम लोग के शोरूम में, और हम लोग के शोरूम में हम लोग ने देखा कि एक और गाड़ी सेल आउट हो गया, वो था लैम्बोर्गिनी सियान। तो अभी हम लोग के पास कार का शॉर्टेज पड़ रहा है, हम लोग को कार्स लेने हैं। हम लोग को लिबर्टी सिटी जाने को नहीं हो रहा है क्योंकि लिबर्टी सिटी जाने के लिए हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब एक के ऊपर एक काम आते जा रहा है। अभी हम लोग के पीछे मार्टिन मद्रासो भी है क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि हम लोग ने शोरूम खोला और बहुत सारे कार्स खरीद लिए। तो इस वजह से उसको शक हो रहा है कि उसका जो कसिनो में चोरी हुआ है वो हम लोग ने किया। हम लोग के पास मोटिव था कौनेसा गगेरा का पैसा रिटर्न देना था हम लोग को, तो इस कारण की वजह से हम लोग ने चोरी किया होगा उसको ऐसा डाउट जा रहा है। तो अभी मुझे भी पता नहीं है कि उसको कंफर्म डाउट है कि नहीं है, हम लोग बस अज्यूम कर रहे हैं। बिकॉज मार्टिन को शक गया और लेस्टर को ये चीज़ मालूम पड़ गया। लेस्टर के पास बहुत सारे सोर्सेज है जैसे मालूम पड़ा, बट ये बंदा इतना फास्ट क्यों निकाला। ओके, तो लेस्टर के पास इतना सोर्सेज है जिससे हम लोग को मालूम पड़ा कि मार्टिन को शक है हम लोग पे। तो इस चीज़ की वजह से मुझे थोड़ा बहुत मार्टिन से डर के रहना पड़ेगा। और डेविन ने हम लोग को उससे पहले एक काम दिया था तो वो हम लोग करके आए थे, तो अभी डेविन ने अभी तक तो कांटेक्ट नहीं किया। ओके, सो मैं अभी सोच रहा हूँ कि जिमी को एक कार गिफ्ट करूँ क्योंकि जिमी अभी बहुत ज़्यादा सुधर गया। उसने हम लोग को लास्ट टाइम प्रॉमिस किया कि वो अभी से कार शोरूम में हम लोग को हेल्प करेगा। बिकॉज हम लोग को एक बंदा चाहिए था वहाँ पे जो हम लोग के लिए काम करे, वो भी हम लोग के फैमिली में जैसे हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं सोचा कि लेस्टर को काम पे लगाऊं वहाँ पे मैनेजर का काम, बट लेस्टर अगर हम लोग को हेल्प करते रहेगा तो वो कैसे कर पाएगा। इसीलिए मैंने जिमी को पूछा और जिमी ने बोला कि वो करेगा और वो सब आवारागिरी छोड़ देगा। बट उसके पास वहाँ पे जाने के लिए गाड़ी नहीं है, वो अपने साइकिल में जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इस वजह से हम लोग उसको एक कार लेके देने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि उसको लैम्बोर्गिनी लेके दूँ या कौन सा लेके दूँ, बट लेट्स सी क्या लेते हैं हम लोग। अभी मैं जाता हूँ जिमी से बात करता हूँ, उसको ये खुशखबरी देता हूँ कि मैं उसको कार लेके देने वाला हूँ, और उसको फिर लेके चलते हैं डीलरशिप में। हम लोग के डीलरशिप से लेके आ सकते हैं, बट हम लोग के डीलरशिप में अभी भी सिर्फ एक फरारी बाकी है और कुछ नहीं बाकी है। नहीं, एक्चुअली एक फरारी भी नहीं, सिर्फ एक बुगाटी बाकी है। तो मैं बुगाटी दिला सकता हूँ उसको, या फिर उसको मैं सुप्रा या कुछ ऐसा दिला सकता हूँ। बिकॉज वो जो डीलरशिप का ओनर है उसने मुझे कॉल करके बोला है कि वो जो सुप्रा है वो आ गया अभी स्टॉक में, तो हम लोग जाके परचेस कर सकते हैं। और मुझे एक सुप्रा चाहिए था, मेरे पास एक फैमिली में हो तो और भी अच्छा है। तो मैं जिमी से बात करता हूँ और उसको कपड़ा चेंज करा के निकलते हैं हम लोग
शोरूम के लिए। ओके गाइस, तो मैंने जिमी को बता दिया और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया है, और उसको चाहिए कि हम लोग फटाफट एक कार लेके देते हैं उसको। तो हम लोग का फरारी लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी फरारी में जाएंगे तभी बट पड़ेगा हम लोग का वहाँ पे। और वो डीलरशिप वाला तो हम लोग को पहचानता है, क्योंकि हम लोग ने इतना गाड़ियाँ लिया ना उससे, हम लोग के शोरूम के लिए सभी गाड़ियाँ उससे लिए। अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके प्लीज़ देखो, तो उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग ने कितने सारे गाड़ियाँ लिया वो शोरूम से। अभी मैं जाता हूँ जिमी के लिए भी वहाँ से ख़रीद के देता हूँ, क्योंकि जिमी को अगर मैं बुगाटी लेके दूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, बट बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाएगा वो उसके लिए वो, और इतना एक्सपेंसिव कार वो नहीं संभाल पाएगा। मुझे पता है जिमी कैसा है, तो जिमी को तो मैं इतना महंगा कार लेके देने नहीं वाला हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको फरारी दे दूँ, या फिर एक लैम्बोर्गिनी दे दूँ, या फिर एक सुपरा दे दूँ। वो अभी मैटर करता है वहाँ पे जाके जिमी को कौन सा पसंद आता है। जिमी तो वैसे बोल रहा था कि उसको फरारी बहुत ज़्यादा पसंद आया अभी, क्योंकि हम लोग ने भी फरारी लिया है राइट, तो इस वजह से उसको फरारी पसंद है। बट वो बोल रहा है कि ये फरारी वो रखेगा नहीं, हम लोग के फैमिली में एक फरारी है, तो वो बोल रहा है कि एक और फरारी रख के मतलब नहीं है, इधर वो लैम्बोर्गिनी लेगा या फिर सुपरा लेगा। अभी वो उधर जाके डिसाइड करेगा बोला है, तो हम लोग चलते हैं वो शोरूम में और डिसाइड करते हैं वहाँ पे जाके। ओके गाइस, तो अभी हम लोग भगाते हुए आके शोरूम पे, और मेरा जो कार है ना यहाँ पे पार्क कर देता हूँ ये वाले पार्किंग लॉट में। और मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि जिमी को कुछ अच्छा गाड़ी ले लेना चाहिए, मतलब लैम्बोर्गिनी या वैसा, चलो देखते क्या देता है। ओके गाइस, तो अभी मैं शोरूम में तो आ गया, और शोरूम में कितना बढ़िया बढ़िया कार्स है। मतलब यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी सामने ही है डिस्प्ले पे, और अगर अंदर की तरफ चढ़े तो यहाँ पे एक और लैम्बोर्गिनी है, दो लैम्बोर्गिनी है बंदे के पास, और यहाँ पे एक फरारी है। ओ भाई साहब, जिमी, ओके मेरे को लगा जिमी को वो कार पसंद आया, बट शायद जिमी भी फरारी को देख रहा है। हम लोग के पास जो फरारी है वो सेम फरारी इधर भी अभी भी, और यहाँ पे टोयोटा सुप्रा है। ओके, तो टोयोटा सुप्रा, और ये बंदा इसको देख रहा है, मतलब इसको पसंद आ गया क्या टोयोटा सुप्रा। और जिमी आई गेस दूसरा कार देखने के लिए जा रहा है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये टोयोटा सुप्रा इसको बंदे को पसंद आया। अभी मैं जाके वो मैनेजर से बात करता हूँ कि क्या प्राइसिंग है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। ओके गाइस, तो मेरा ये बंदे से बात हो गया, और वो बोल रहा है कि टोयोटा सुप्रा हम लोग खरीद भी सकते हैं, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये कौन अंदर बैठ गया है? और जिमी, ओ भाई जिमी अंदर पहले ही बैठ गया है। ओके, तो जिमी ने कंफर्म कर ही दिया कि यही कार लेना है, तो मैं फटाफट ये जो पैसा है इसको दे देता हूँ ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके, और कार लेके हम लोग बाहर निकलते हैं। और मैं ही चलाने वाला हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे देखना है कैसा है ये कार, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो फटाफट से मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ ऑनलाइन थ्रू, और उसके बाद देखते हैं। ओके गाइस, तो मैंने इसको पेमेंट तो दे दिया है, हम लोग अभी कार लेके जा सकते हैं यहाँ से बाहर की ओर। और ये बंदे को मैं हटने बोल दूंगा अभी, भाई हट जा, मेरे को ये कार लेके जाना है। ओके गाइस, तो हम लोग अभी कार में बैठते हैं, और मैंने वो बंदे को हटने बोल दिया, तो वो जाके उधर कंप्लेन करने लग गया, क्योंकि उसको भी ये सुपरा बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। मुझे तो पहले से पसंद है सुपरा, मुझे मेरे डीलरशिप में भी चाहिए था सुपरा, बट हम लोग ले नहीं पाए सुपरा, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। अभी हम लोग के पास सुपरा आ गया है जिमी के वजह से, और वो बंदे को शायद नसीब में नहीं है सुपरा इस बार। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं हम लोग के घर के पास, और इसको भगाते हैं हम लोग के बैक रोड में। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से ही भगा के देखता हूँ कैसा है इसका स्पीड। ओके, तो ये कार स्पीड तो है, बट इतना स्पीड नहीं है, मेरे को इतना ही स्पीड चाहिए, क्योंकि जिमी को इतना भी फास्ट कार नहीं चाहिए। अगर ये कार को मैं मॉडिफाई कर दूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट भाग सकता है, क्योंकि ये टोयोटा सुप्रा कैसे भी मॉडिफाई हो सकता है, इसका इंजन पावर इतना बढ़िया है ना, मतलब इसका बात ही नहीं है कोई और गाड़ी के सामने। ये मेरे को ये डीलरशिप वाला भी बोला कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इसको मॉडिफाई करने के लिए एक ही बंदा सही है हम लोग के पास, वो है पैनी। एक चीज़ मैं करूँगा, जब भी मेरे शोरूम में कार रखूँगा तभी मैं पैनी को बोल के मॉडिफाई करा के रखूँगा, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। अभी हम लोग चलते हैं हम लोग ये घर के पास, जिमी को तो कार दिला दिए, अभी जिमी घूमते रहेगा, एक दिन हम लोग जिमी को घूमने देंगे, उसके बाद उसको हम लोग शोरूम में काम पे लगा देंगे। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कि जिमी इतना सीरियस हो गया अपने काम को लेकर, और हम लोग का शोरूम बड़ा होते जाएगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग के फैमिली को बहुत ज़्यादा ही सही रहेगा, मतलब माइकल के फैमिली को। तो इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कि जिमी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो गया अभी। अभी हम लोग चलते हम लोग ये घर पे, ये जो कार है उसको ड्रॉप करते हैं वहाँ पे, और जिमी को हम लोग ये कार दे देंगे। वैसे ये जो कार इतना हल्का है ना, मतलब देखो ये ड्रिफ्ट के लिए भी बहुत सही है। अभी मैं भगा के एक ड्रिफ्ट मार के दिखाता हूँ, इसका पावर कम है बट ड्रिफ्टिंग बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। अभी ये देखो, ये एक एक छोटे छोटे जगह से भी इतना फास्ट निकलता है ना, मतलब चूम के निकलता है।
ओके 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 ओके, मुझे लगा कि मैं अभी ठोकने वाला हूँ। और बहुत ज़्यादा ही सही है यार ये वाला कार तो, मतलब हम लोग ने बहुत ही अच्छा चॉइस बनाया है कि हम लोग ने सुप्रा लिया है, बेस्ट चॉइस एवर। तो अभी हम लोग चलते घर पे, कार पार्क कर देते हैं, निकलते हम लोग के शोरूम को देखने के लिए। तो मैं फटाफट ये जो कार है इसको पार्क कर रहा हूँ। ओके, मैंने मेरा जो फरारी है उसको वहाँ पे ही छोड़ दिया। ओ भाई ठीक है, मैं काम कर लेता हूँ, फ्रैंकलिन को लेके मैं निकलता हूँ वो कार कलेक्ट करने को। और ये डबल डबल काम हो गया अभी। ठीक है, ये जो कार है मैं इसको पार्किंग में रोक देता हूँ, इसको बोल देता हूँ भाई तू चला ले। मैं फटाफट मेरे कार में बैठता हूँ, निकलता हूँ, फ्रैंकलिन को पिक करता हूँ, मेरा फरारी फिर उधर से पिक करके लेके आता हूँ घर पे। मैं भूल ही गया भाई, मेरा फरारी वहाँ पे ही रुक गया है। मेरे को उल्टा जिमी को चलाने देना चाहिए था और मैं अपना फरारी लेके आ जाना चाहिए था, बट मैंने मेरा फरारी उधर ही छोड़ के जिमी का कार में आ गया हूँ घर पे। अभी कोई नहीं, अभी हम लोग चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पे, उसको पिक करते हैं, चलते हैं शोरूम पे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है कि ये वीडियो में बस हम लोग ने कार परचेज किया है और ये वीडियो इतना लॉन्ग नहीं बन पाया। कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया चीज़ करने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं लिबर्टी सिटी कार परचेज करने को, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो अगर आप लोग को वो वीडियो जल्दी देखना है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना, तो आप सबसे पहला मेरा वीडियो देखोगे। जैसे ही रिलीज होएगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप ये वीडियो देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।